मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं, जहां पर शहर के कई कार्यक्रमों में शिरकत करने का उनका कार्यक्रम है। मल्टी लेवल आईसीयू का उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे पहले बजट में भी इसकी घोषणा की। मल्टी लेवल आईसीयू में 120 बेड शामिल है और संभाग के मरीजों को इससे फायदा पहुँचने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे से जुड़ी आपको खबर बता रहे हैं। सुबह अजमेर पहुंचे, वहां पर जियारत की सोनिया गांधी की तरफ से चादर पेश की। उसके बाद में अब जोधपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां पर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मल्टी लेवल आईसीयू का यहां पर उद्घाटन करने वाले हैं। इसी के साथ अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करने का उनका प्रोग्राम है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा इस दौरान उनके साथ में मौजूद हैं। मल्टी लेवल आईसीयू का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने बजट घोषणा के दौरान भी किया था। इस मल्टी लेवल आईसीयू में 120 बेड्स शामिल हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवं संवाददाता दयाल सिंह से बात करेंगे। दयाल, मुख्यमंत्री गहलोत जोधपुर पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत यहां पर किया गया। मल्टी लेवल आईसीयू का यहां पर उद्घाटन किया जाने वाला है, कितने बजे का यह कार्यक्रम बताया जा रहा है और आगे का क्या प्रोग्राम है? संवाददाता से अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपको आगे की अपडेट देते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा, सुबह अजमेर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सोनिया गांधी की तरफ से यहां पर उन्होंने चादर पेश की। उसके बाद में जोधपुर के दौरे के लिए निकले और अब जोधपुर पहुंच चुके हैं। मल्टी लेवल आईसीयू का यहां पर उद्घाटन करने का उनका कार्यक्रम है। इसके बाद अन्य कार्यक्रम और उद्घाटन में भी शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अपने बजट की घोषणा में भी उन्होंने इस मल्टी लेवल आईसीयू का जिक्र किया। इसमें 120 बेड शामिल है, जिससे कि अब मरीजों को फायदा अवश्य ही पहुंचने वाला है। अजमेर से निकलने के बाद में जोधपुर पहुंचे सूबे के मुखिया और इसी प्रकार से आगे के कार्यक्रमों के तहत जोधपुर में ही कई उद्घाटन कार्यक्रमों में शिरकत करने का फिलहाल प्रोग्राम है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के साथ कई बड़े नेता मुख्यमंत्री के साथ में फिलहाल मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।